गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। गुरु गृह गयाऊ आप लोग भी एक एक बार हाँ। गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। गुरु गृह एक बार तो हाथ खोलने का मौका मिला तो बढ़िया से हाथ ऐसे करके खूब हृदय से गाओ। गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला। गुरु गृह तुरत मही पाला। चरण लगी कर विनय विशाला। चरण लगी कर विनय विशाला। गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। निज सुख दुख ही सब गुरु ही सुनाय हूँ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय हूँ। एक बार भूपति मन माही भय गुलानी मोरे सुत नाही। पापा घर गयो नहीं मही पाला। मम्मी घर गयो नहीं मही पाला। फूफा घर गयो नहीं मही पाला। मित्र घर न गयो नहीं मही पाला। बड़की जिज्जी घर नहीं गयो मही पाला। साले घर नहीं गयो मह पाला। गुरु गृह गयाओ तुरत मही पाला। गुरु गृह गयाओ तुरत मही पाला। और जब वो गुरु गृह गए तो तुम्हें भी जानकारी है कि गए थे एक के लिए कि एक तो बेटा दे दो कम से कम। और गुरु गृह जब गए तो गुरुदेव ने क्या कहा, चिंता मत करो। धरहूं धीर होए हैं सुत चारी। धरहूं धीर धरहूं धीर होई हैं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हार। एक मांगने आयो गुरु के द्वार पर तो एक मांगेगा तो चार मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो तो राम मांगने गए थे, एक बेटा दे दो, एक साधारण बेटा दे दो। गुरुदेव ने कहा साधारण ब्रह्म भी तुम्हारे घर में आएगा। साक्षात परमात्मा तुम्हारे घर में आएंगे। खाली बेटा मांगोगे? ये गनौरी टाइप का बेटा शराब पी के ऐसे ऐसे करते चले, कपटी नहीं। भगवान आएंगे तुम्हारे घर। भरत जैसा महात्मा आएगा। लक्ष्मण जैसा एकमात्र राम को ही लक्ष्य मान करके चलने वाला लक्ष्मण तुम्हारे घर में आएगा। और शत्रुघ्न, इस संसार में कोई शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रुघ्न को तुम्हारे घर में भेजूंगा। गुरु गृह गयाओ तुरत मही पाला। गुरु गृह तुरत मही पाला। और जाके क्या किया, शरण लागी कर विनय विशाला। विनय विशाला, चरणों में गिर गए और विनय सहित कहते हैं। ऐसे नहीं, हम चार साल से आपके पास हैं, हमको क्या मिला, बस गुरुजी अब हो गया। चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख ही सब गुरु ही सुनावा। जो भी जिंदगी का सुख हो, लोग कहते हैं दुख सुनाना चाहिए कि नहीं, नहीं सुख भी और दुख भी दोनों एक ही जगह सुनाना चाहिए। रामचरितमानस तो यही कहती है। अगर रामचरितमानस को वेद मानते हो, निगम है रामचरितमानस भगवान राम का,
तो रामचरित मानस तो यही शिक्षा दे रही है कि जीवन का सुख हो या जीवन का दुख हो, अगर सुनाएंगे तो केवल एक श्री गुरु चरणों में और कहीं नहीं सुनाएंगे। बाकी सब व्यथा है, वृथा है कहीं सुनाना। एक ही चरण है और वो भी चरण लागी करी विनय विशाला।